गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। तो आज फिर से मैं आपके सामने इस चैनल के माध्यम से हाजिर हूं आप लोगों की मदद के लिए, सहूलियत के लिए। जैक बोर्ड साइंस और कॉमर्स का इंग्लिश कोर स्टैंडर्ड 12 टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तो टर्म 1 साइंस के बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से अटेंड किया होगा। बहुत सारे बच्चे 40 में 40 लाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो पहले यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट है जहां पे गोट, शीप वगैरह वगैरह के बारे में बताया गया है और आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से आंसर किया होगा। तो चलिए अब मिलान कर लेते हैं कि आपने जो आंसर्स किया है कितना सही है कितना गलत है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूछ रहा है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम गोट? मिल्क, मीट, लेदर, ऑल ऑफ दीज। तो आज मैंने सारा आंसर कैसे ढूंढते हैं वो भी अंडरलाइन कर दिया है। तो यहां पे स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं, यहां पे बताया गया विथ मिल्क एंड मीट, और आगे यहां पे लेदर का भी जिक्र है। तो इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सारा का सारा चीज हमें गोट से उपलब्ध होता है। तो 1 का आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोट्स आर वेरी अनपॉपुलर बिकॉज, गोट्स को क्यों पसंद नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर आप सामने यहां देख सकते हैं, बताया गया है, हैज अ बैड टेम्पर एंड अ स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल। और यहां पे उसके बियर्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। बियर्ड के बारे में बाद में बताया गया है पर उसका उसके बुराई से नहीं जोड़ा गया है। तो इस कारण से हम यहां पे इसका आंसर रखेंगे बोथ 1 एंड 2। मतलब कि मेल गोट हैज अ बैड टेम्पर और मेल गोट हैज एन अनप्लीजेंट स्मेल। वो गुस्सैल होता है और बुरा स्मेल करता है, इसलिए वो अनपॉपुलर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बड़ा आसान था। द गोट इज क्लोजली रिलेटेड टू द, किस जानवर से रिलेटेड है? तो शिप से रिलेटेड है, भेड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है, विच एनिमल्स हैज कर्ली हॉर्न्स, किस जानवर का जो है सिंग घूमा हुआ होता है? तो आंसर होगा रैम्स। रैम्स का मतलब होता है भेड़। तो ये अगर आपको डाउट होगा कि भेड़ कैसे होगा सर, तो ये मैंने यहां पे आपके लिए अंडरलाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं साफ साफ यहां पे लिखा है, वेयर एज मेल शिप रैम्स हैव कर्ली हॉर्न्स। तो कोई कंफ्यूजन नहीं। और इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे वीडियो के बाद विवाद करते हैं, सर ये गलत है वो गलत है, तो आज मैं सारा सबूत के साथ लेके आया हूं आपके सामने, ताकि आपके अंदर कोई संशय नहीं हो। आंसर वर्मा गेस गलत बताता है और आप सवाल जवाब मुझसे करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। स्विस गोट्स मिल्क इज कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर बेबीज बिकॉज, स्विस गोट्स मिल्क इज कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर बेबीज बिकॉज, क्यों बच्चों के लिए स्विस गोट का दूध अच्छा माना जाता है? तो ऑप्शन होगा, इट इज इजियर टू डाइजेस्ट देन काउज मिल्क। नंबर 1, 5 का आंसर नंबर 1। कैसे? तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं सामने ही कि कैसे बताया गया है। इस जगह पे आंसर में हम लोग देखते हैं कंप्रिहेंशन में, गोट्स मिल्क इज कंसिडर्ड टू बी स्पेशली गुड फॉर बेबीज बिकॉज इट इज इजियर टू डाइजेस्ट देन काउज मिल्क। साफ साफ लिखा हुआ है, तो आपको कोई दुविधा नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं आंसर्स बनाने में। अगला क्वेश्चन है, उल गोट्स लाइक अंगोरा एंड काश्मीरा ब्रीड्स गिव अस द, तो हमें पता है कि दुनिया का जो सबसे महंगा ऊन है वो कैश्मीर ऊन होता है। एक्सट्रैक्ट में बिना पढ़े भी हम ये जानते हैं, लेकिन एक्सट्रैक्ट में आप ढूंढेंगे तो आंसर आपको बेस्ट उल दिख जाएगा। ये भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो इस जगह पर हम देखते हैं, द बेस्ट उल From two goats in the third group, the Angora and the Kashmira goat breed. तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनसे ही हमें बेस्ट ऊल मिलता है। और अगला का आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है, the Angora which came generally from near Ankara, the capital of Turkey. तो अगला प्रश्न यही पूछा गया है कि Angora breed जो है वो कहाँ से आया है। तो options यहाँ पे हम देखते हैं, question number 7 जिसका answer होगा 2, Ankara. तो इस तरह से 7 क्वेश्चंस पहला आपने रीडिंग सेक्शन का बना लिया। आप सारे बच्चे मिलाते जाएं अच्छे से कि 7 में से आपको कितना मिला। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न है जहां पे पेंगुइन्स के बारे में बताया गया है और क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डू पेंगुइन्स लिव, पेंगुइन कहां रहते हैं? तो आंसर ऑब्वियस होगा, कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप पूछेंगे कैसे सर, आपको कुछ और आंसर अगर टिक लगा दिया है तो बिल्कुल पहले लाइन में देखते हैं, Penguins are birds that live in coldest part of the world. बिल्कुल पहले सेंटेंस में ही इसका आंसर साफ साफ दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर टू में आते हैं, हाउ डू पेंगुइन्स मूव अक्रॉस द आइस, पेंगुइन्स जो है बर्फ में कैसे चलते हैं, तो अलग अलग ऑप्शन दिया है, पैडलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग। तो लोगों को लग सकता है ये स्विमिंग हो सकता है, पेंगुइन स्विम करते हैं, लेकिन एक्सट्रैक्ट में जब हम रहेंगे तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिखता है दे मूव अक्रॉस द आइस बाय वैडलिंग स्लोली, वो घिसटते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 9 का नंबर 1 बाय वैडलिंग। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, यहां पे लिखा हुआ है पेंगुइन्स यूज देयर विंग्स टू, तो आमतौर पे पक्षी अपना पंख का यूज करते हैं उड़ने के लिए, पर हमें पता है पेंगुइन्स उड़ते नहीं है, वो यूज करते हैं बैलेंस करने के लिए। आप कहेंगे नहीं सर वॉकिंग के लिए करते हैं, सर आप गलत आंसर बता दिए, तो आप ये सामने देख लीजिए साफ साफ बिल्कुल सेकेंड पेज के फर्स्ट लाइन में है, यूज देयर विंग्स टू बैलेंस देम, तो यहां से हमें बिल्कुल साफ पता चलता है कि ये वॉकिंग के लिए नहीं, इस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से बैलेंस के लिए सही आंसर है। व्हाट डू पेंगुइन्स ईट, पेंगुइन क्या खाते हैं, शार्क शील्स, ये दोनों पेंगुइन को खा जाते हैं, तो ये आंसर होगा नहीं, पेंगुइन्स खाते हैं फिश, ह्यूमंस को तो वो खाते नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिश, लेकिन फिर भी अगर किसी को लग रहा है कैसे, तो आंसर आपके सामने ये रहा, दे ईट मोस्टली फिश एंड सी एनिमल्स, तो यहां पे फिश तक हम ध्यान देंगे, वो ज्यादातर फिश खाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एनिमल्स ईट पेंगुइन्स, अब पेंगुइन्स को कौन खाता है, तो अंदर एक्सट्रैक्ट में बताया गया सील्स और शार्क्स दोनों उसको खाते हैं, तो इसलिए आंसर नंबर 3 हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2, ये भी आपको दिखा देते हैं कैसे, तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है सील्स एंड शार्क्स, बिकॉज सील्स एंड शार्क्स ईट पेंगुइन्स। तो इस तरह से हम लोगों ने रीडिंग सेक्शन को कंप्लीट किया, कॉम्प्रीहेंशन को कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्वेश्चन नंबर 13, ये इकलौता थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन मुझे दिखा साइंस में, बाकी सारे क्वेश्चंस बड़े इजी है। क्वेश्चन है वेयर इज डेट प्लेस्ड इन द नोटिसेस, तो मैंने लिखा है वेग ऑप्शंस, इससे बेहतर ऑप्शन बनाया जा सकता था, खैर ऑब्जेक्टिव का पर्पस होता है कि जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें से सबसे अच्छा कौन है, वो हो सकता है कि बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन जो चारों दिया हुआ है उसमें से सबसे सही कौन है, ये ऑब्जेक्टिव में पता करना होता है। तो हमें पता है कि नोटिस में डेट ऊपर लिखते हैं, हमेशा नीचे नहीं लिखते हैं, और एनीवेयर जहां मर्जी तहां तो लिख ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए आंसर होगा एट द टॉप, नीचे कभी भी डेट नहीं लिखा जाता है किसी भी फॉर्मल कंपोजिशन में, चाहे वो आपका लेटर टू एडिटर हो, चाहे किसी भी तरह का लेटर हो, एप्लीकेशन हो, नोटिस हो, सब में टॉप पे ही रहता है, टॉप मोस्ट नहीं है, इसलिए हम एट द टॉप आसानी से इसका आंसर समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा आसान मॉडल पेपर में था, नोटिस इश्यूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, कहां पे हमें नोटिस दिखता है जो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, तो आंसर होगा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में ही विज्ञप्तियां, प्रेस विज्ञप्ति हमें मिलती है, सरकारी सारा जानकारी विज्ञप्ति के आधार पर हमें मिलता है अखबार से, उसका किताब में या स्कूल के नोटिस बोर्ड में स्थान नहीं होता। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, ये बड़ा आसान है, मॉडल पेपर में कई बार बताया गया है आपको, तो आसान आंसर है आपका नंबर 3 सेंडर्स एड्रेस, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया 3 सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, एब्रीविएशन एंड सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, एब्रीविएशन और सिंबल्स, एब्रीविएशन मतलब हो गया शॉर्ट फॉर्म्स, सिंबल्स जैसे एंड को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, तो ये सारा जो सिंबल्स है ये किस में हम लोग फ्रीली लिख सकते हैं, तो लेटर रिपोर्ट आर्टिकल्स में ये जनरली अलाउड नहीं है, पर नोट्स में ये जरूर यूज करना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा नंबर 4 नोट्स। क्वेश्चन नंबर 17 में है, व्हाइल मेकिंग नोट्स वी राइट ओनली इन, यहां पे कुछ बच्चे फंस सकते हैं और कुछ बच्चे फिर विवाद करेंगे सर ये सही है ये गलत है, पर आप बिल्कुल 100% श्योर रहिए कि इसमें सेंटेंस भी ठीक है गलत नहीं है, क्लॉज भी ठीक है गलत नहीं है, नन ऑफ दीज तो खैर नहीं होगा, पर हम लोग नोट में स्मॉल सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, क्लॉजेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन है, तो सबसे अच्छा नोट वो माना जाएगा जिसमें छोटे छोटे ज्यादा से ज्यादा फ्रेजेस हों, तो अलग अलग बुक में अगर गलत आंसर बताया है तो आप उसके लिए कृपया यहां पे कमेंट में बहस ना छेड़ दे, तो बिल्कुल श्योर रहिए 17 का आंसर है नंबर 1 फ्रेजेस मतलब वाक्यांश। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, यहां पे भी विवाद की गुंजाइश होगी आप लोगों में, अलग अलग बुक हो सकता है कुछ अलग बता दिया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, समरी राइटिंग में क्या पार्ट नहीं होता है, यूजिंग योर ओन वर्ड्स ये इसका हिस्सा होगा कि नहीं। मैंने YouTube में देखा बहुत सारे टीचर बताएंगे कि नंबर वन है सही आंसर, पर नहीं, ये बिल्कुल गलत आंसर है। हम लोग CBSE, ICSE और झारखंड बोर्ड हर तरह के बच्चे को पढ़ाते हैं, जहां पे साफ साफ कहा जाता है कि जब भी आप समरी लिखे वो आपके अपने शब्दों में है, ना कि ऊपर से जो लिखा हुआ उसी को छाप दे। तो यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, तो ये आपका नहीं होना चाहिए। नंबर टू, तो नॉट क्या नहीं होना चाहिए, यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। और मैं जानता हूं कुछ किताब और कुछ यूट्यूबर्स जिनको आधा अधूरा ज्ञान है इंग्लिश का, वो बता देंगे नंबर वन, पर वो बिल्कुल गलत है। सही आंसर इसका होगा नंबर टू, यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ये कभी भी समरी में नहीं होना चाहिए। मेन आइडियाज तो होगा ही, और शॉर्टर देन टेक्स्ट तो बिल्कुल होना ही चाहिए, कम से कम 30% हो तो बहुत अच्छा नोट्स कहलाता है। तो 18 का आंसर नंबर टू, बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट, 100% श्योर, कोई विवाद नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर में क्या नहीं होता है, सिग्नेचर तो करना ही पड़ता है भाई, सैल्यूएशन डियर रिस्पेक्टेड तो लिखना ही पड़ता है, तारीख तो देंगे ही, क्या नहीं होता है, टाइटल, तो टाइटल कहां होता है, आर्टिकल में होता है, रिपोर्ट में होता है, पर लेटर टू एडिटर में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आता है, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल के शुरुआत में क्या होता है, तो लगभग सेम जैसा ही है जैसा मैंने बताया, तो सबसे ऊपर टाइटल होता है आर्टिकल में भी और रिपोर्ट में भी, तो टाइटल यहां पे सही आंसर होगा। तो 19 का सही आंसर है 1, 20 का सही आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, अब हम लोग आ चुके हैं लिटरेचर सेक्शन में, विच लैंग्वेज वॉज इम्पोस्ड, इम्पोज मतलब थोप देना, ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, तो एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में कौन सा भाषा थोप दिया गया था, तो हमें पता है जर्मन। आप वो लाइन याद करिए, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, क्या कबूतर को भी वो जर्मन में गाने में बाध्य करेंगे, तो आंसर होगा जर्मन। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन, फ्रेंच को किस चीज का होमवर्क मिला था, क्या चीज याद करना था, तो आंसर है नंबर 3, पार्टिसिपल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, वेयर डज साहेब लिव, तो साहेब कहां रहता था, अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों में, ढाका होगा कि सीमापुरी होगा, तो प्यारे बच्चों ध्यान दे, यहां पे है डज, डिड अगर होता तो आंसर हो जाता है ढाका, कहां वो रहता था, तो ढाका हो सकता है आंसर, लेकिन डज कहां रहता है, तो यहां पे ग्रामर में आप फंस गए अगर तो गलत कर सकते हैं, पर जिसको ग्रामर का समझ है, प्रेजेंट और पास्ट का समझ है, उसको पता होगा साहेब लिव्स इन सीमापुरी, वो वर्तमान समय में जब कहानी हम लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो सीमापुरी है। 23 का नंबर 2, कोई भी डिबेट नहीं, 100% सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, Whom does Anis Jung encounter in the neighborhood? अपने पड़ोस में वो किससे मिलती है, तो मिलने का तो मुकेश से भी मिलती है, पर चर्चा है कि मुकेश नहीं साहेब उसके पड़ोस में आता था कचरा चुनने, वो काफी दिन से देखती थी, बाद में सवाल जवाब बातचीत होता है, तो क्वेश्चन 24 का आंसर है आंसर नंबर 3। फिर अगला क्वेश्चन आसान सा है, इफ लॉज वेयर टू बी इन्फोर्स्ड इन फिरोजाबाद इट वुड ब्रिंग आउट चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ अबाउट, अगर कानून का पालन किया जाए फिरोजाबाद में तो कितने सारे बाल मजदूरों को वहां से बाहर निकाला जा सकता है, तो ये डायरेक्ट आंसर होगा 20,000 चिल्ड्रन, मतलब नंबर 2, तो 25 का आंसर है 2। अगला है थोड़ा अंदर का क्वेश्चन है, जो लाइन अंदर पढ़े होगे वही आंसर कर पाए होगे, शॉर्टकट पढ़ाई वाले इसका आंसर नहीं कर पाए होगे, कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, हु सेड दिस, क्या भगवान के द्वारा प्रदान किया हुआ जाति को तोड़ सकते हैं, ये वाक्य किसने कहा था, तो मुकेश की दादी ने, ओल्ड लेडी ने, मुकेश की ग्रैंड मदर ने कहा था। 26 का 3। नेक्स्ट फिर से अंदर से थोड़ा सा क्वेश्चन है, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, मुकेश क्या बनना चाहता था, आंसर होगा मोटर मैकेनिक, वो गैरेज जाके शहर में मोटर मैकेनिक का काम सीखना चाहता था, वो अपना मास्टर खुद बनना चाहता था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में,
हाउ ओल्ड वॉज डगलस वेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया बीच जब फादर लेके गए थे वो किस उम्र का था डगलस? तो आंसर होगा 3 or 4, तो आंसर नंबर 2, 28 का आंसर नंबर 2। क्वेश्चन 29 में, विच फियर ऑफ हिज लाइफ डज डगलस टॉक अबाउट इन डीप वाटर, डीप वाटर में किस डर के बारे में चर्चा है? तो फियर ऑफ वाटर, जिसको दूसरे शब्द में हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, तो हाइड्रोफोबिया शब्द रहता है तो ज्यादा मजा आता, खैर आसान है, फियर ऑफ वाटर ये सही आंसर है 29 का 1। अब आगे यहाँ पे पोयम से एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोर्स ओपन माउथेड हर फेसन एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज विद पेन। इस क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन जो बना है वो देखते हैं। द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम, तो सबसे पहला पोएम है, सबसे आसान पोएम है My mother 66। मैं उम्मीद करता हूं ये सारे बच्चों का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, वेयर वॉज पोएट ड्राइविंग टू, पोएट कहां जा रही थी? तो आंसर है आसान सा, कोचीन एयरपोर्ट, पहला 2-3 लाइन में आपको मिल जाएगा ये पोएम में। हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट, ये भी बड़ा आसान है, उनकी मां बैठी हुई थी, स्लीपिंग डोज ओपन माउथेड 66 years, तो 32 का आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, Who is sitting at the back of the deep classroom? तो लास्ट बेंच में कौन बच्चा बैठा था? यहां पे भी सैंपल पेपर में किसी किसी में गलत आंसर दिया हुआ है, उसका जिम्मेवार मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं, वो है नंबर 2, a sweet young boy। तो लास्ट बेंच में कौन बैठा था? एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो सपनों में खोया हुआ था कि गिलहरियां कैसे खेल रही होंगी बाहर ट्री रूम में, अगर आपको याद आया तो अच्छा है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन 34, द पोइट पैब्लो नेरुडा विशेज द फिशरमैन नॉट टू हार्म, किसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे? बड़ा आसान है, आंसर होगा वेल्स। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, द टाइगर किंग हु वाज बॉर्न एनिमीज, हु आर बॉर्न एनिमीज, कौन जन्मजात दुश्मन है कहानी के हिसाब से? तो आंसर होगा बुल एंड टाइगर, याद करिए एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, सिंस द प्रिंस इज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल And tigers are enemy of bull, so death comes from the tiger. इसलिए आंसर वहां पे हो जाएगा bull and tiger. Next है question number 36. ये थोड़ा सा difficult question हो सकता है जो line by line नहीं पढ़े उनके लिए. Initially, how did Dr. Sadao pack the white man's wound? कि शुरुआत में जो है Dr. Sadao कैसे घाव ठीक करते हैं, किसका? Enemy का. Wound मतलब क्या होता है? घाव. ये आपको पता है. तो इसका आंसर मैंने यहां लिखा है पेज नंबर 27 ओरिजिनल बुक, अगर आप देखिएगा उसका बिल्कुल लास्ट लाइन में ऐसे इसका शुरुआत होता है, तो मैंने अंडरलाइन करके निकाला है आपके लिए, देखिए यहां पे ही पैक्ड, और नेक्स्ट पेज में फिर जाना होगा, यहां पे सिर्फ दो ही शब्द है, पैक्ड वर्ड आपने देख लिया उस पर आपका ध्यान होगा, ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस दैट स्ट्यूड द बीच। तो सबसे पहले वो समुद्र का जो मॉस है, जो काई है, उससे वो उसके जख्म को भर देता है ताकि खून ना निकले। तो अब आपको आंसर पता है, आंसर होगा 36 का नंबर 3, बाय सी मॉस। फिर है, वेयर वॉज सदाओ सेंट टू स्टडी, ये तो बड़ा आसान है, अमेरिका, वो जापान के रहने वाले थे पर पढ़ने उनके पिताजी ने उनको अमेरिका भेजा था, तो 37 का 1, टिक लगाया हुआ है सारा। क्वेश्चन नंबर 38, ये भी जो अंदर पढ़े होंगे वो आंसर कर पाए होंगे, व्हाट इज द एकेडमिक सर्कल्सकी, ये क्या चीज है? तो ये है क्या, रशियन रिसर्च वेसल, ठीक है। तो जो आदमी था जियोफ ग्रीन वो कनाडा का था, और ये जो बना रिसर्च वेसल ये रशिया का है, इंडिया चाइना अमेरिका का नहीं है। अब आते क्वेश्चन नंबर 39, जिसपे बहुत विवाद हुआ था पहले अलग अलग वीडियो में, मैंने बहुत बच्चों को स्पेशली कॉमेंट में जाके समझाया, पर सबको समझाना मेरे लिए संभव नहीं था, आज मौका मिला है तो आपको समझा दूं। क्वेश्चन है, How many years ago did Gondwana exist? तो ओरिजिनल बुक में पेज 18-19 में इसका आंसर दिया हुआ है, आप देखेंगे तो आंसर्स का होगा, पहले बता दूं, नंबर 1, 39 का 1, 650 मिलियन ईयर्स। तो यहां पे आप देखते हैं टेक्स्ट बुक में, 650 मिलियन ईयर्स अगो अ जायंट amalgamated southern सुपर कॉन्टिनेंट Gondwana did indeed exist। तो ये इसका आंसर होगा 650 मिलियन ईयर्स अगो। अब आप बोलेंगे सर आपने जो पहला बताया था उसमें तो आपने बताया था 500 मिलियन ईयर्स, तो वहां पे क्वेश्चन अलग था बच्चों, वहां क्वेश्चन था कि कब तक, व्हेन था, कि कब तक वहां पे गोंडवाना एग्जिस्ट किया था।
तो उसका आंसर था 500, और ये दोनों क्वेश्चन सही है और दोनों आंसर भी सही है। तो यहां पे देखिए ये सेंटेंस आप देखेंगे, फॉर 500 मिलियन ईयर्स अगो गोंडवाना थ्राइव्ड, इसका अर्थ हुआ 500 मिलियन वर्ष तक गोंडवाना था, उसके बाद ये टूट गया था। तो दो अलग कंटेंट है और मॉडल पेपर में अलग क्वेश्चन था, यहां पे अलग क्वेश्चन है, इसलिए आंसर ये अलग हो जाएगा। तो वापस आते हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है आपके सामने, द प्रिंस जिलानी जंग जंग बहादुर वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ, तो ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बुल। तो नंबर 440 का 4 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप सारे बच्चे साइंस और कॉमर्स के आराम से अब मिलान कर सकते हैं, बिना गूगल में जाए हुए, बिना फेक यूट्यूबर के यहां जाए हुए कि कौन सा आंसर सही है गलत है। यहां पे जो आंसर आपको दिखाया गया, सारा जहां पे डाउट हो सकता है सबूत के साथ आपको दिखाया गया है, और आप बिल्कुल 100% श्योर हो सकते हैं ये 40 का 40 आंसर बिल्कुल सही है, किसी और को सुनना नहीं है, आप इसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। तो आप सारे कमेंट में आके मुझे बताएं कि आपको 40 में कितना मार्क्स मिला, और ऑल द बेस्ट आगे के एग्जाम्स के लिए। बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, आपके प्यारे झासर का बाय बाय।